नमस्कार। आज के इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर जयप्रकाश लाल जी, दो हमारे मुख्य वक्तागण राजेश्वर जी एंड डॉक्टर सुमन, प्रोफेसर सुमन जी, और इतना बढ़िया संचालन करते हुए हमारे गंगा सागर मिश्र जी, और सभागार बैठे हुए हमारे आदरणीय श्री जयंत सहस्रबुद्धे जी, और इस कार्यक्रम को पूरा रंग देते हुए हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी और प्रोफेसर शुक्ला जी, और हमारे सभी सम्मानित विशिष्ट जन, और पीछे बैठे हुए जो वेद के भार को और इसको आगे ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं हमारे विद्यार्थीगण, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद। ये विषय देखिए, हम लोग जब विज्ञान विषय से आते हैं तो ये विषय बड़ा अजीब सा लगने लगता है। मैं अपनी बात शुरू करता हूं, जब हम लोगों ने स्कूल में पढ़ाई शुरू की, स्कूल में नाम लिख गया, कुछ किताबें पढ़ा करते थे, और मैं कहता हूँ क्लास वन से लेकर हाई स्कूल तक किया, फिर इंटर किया, उसके बाद हम लोग चले गए प्रोफेशनल कोर्स में, मेडिकल पढ़ने लगे। ये हमारी थोड़ी अभिरुचि थी, तो मैं इधर उधर थोड़ा पढ़ भी लेता था, नहीं तो मैं जो देखता हूँ कि अधिकांशतः लड़कों को कोई सही रास्ता नहीं मिलता, मतलब ये रास्ता नहीं मिलता जहाँ वो हमारे जो ज्ञान है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। हर चीज इतना मैकेनिकल होता जा रहा है, और शिक्षा प्रणाली इतनी मैं सोचता हूँ कि कमियों से भरपूर है कि वो विद्यार्थियों में वो शिक्षा ज्ञान नहीं दे पाते हैं। इसका कारण शायद हमारी गुलामी थी, शायद उसके बाद जो सरकार आई उसने इस ढंग से नहीं सोचा। आज ये अच्छी बात है कि जो वर्तमान सरकार है नई एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, मौलिक चिंतन कर रही है, ये प्रयास कर रही है कि कैसे हमारे विद्यार्थी, हमारे जो नागरिक हैं, वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जिससे वो अपनी उन्नति कर सके, नौकरी पा सके, मानसिक विकास कर सके। तो इस तरह का जो चिंतन है ये स्वागत योग्य है, इसमें कोई शक नहीं। और एक बात मैं कहूंगा कि आज का जो विषय था स्वतंत्रता आंदोलन में मनीषियों का योगदान, सच कहिए तो बिना मनीषी के कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिन रात काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, जिनको भोजन की तलाश है, वो उनके वो दिशा देने में नाकामयाब हो सकते हैं, नहीं कहता हूं नाकामयाब होते भी हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक जो लगा हुआ है अपनी रोजी रोटी की चिंता में वो दिग्दर्शन कैसे कर सकता है। तो मनीषियों का तो प्रमुख रोल है, इसमें कोई शक नहीं, और जो हमारी आजादी हुई, हमारे इन विद्वानों जिसका नाम हम लोगों ने लिया, विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी, और भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मालवीय जी, ये तो कुछ नाम है जो सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ उसके पीछे बहुत सारे नाम होंगे जिन्होंने अपनी अपनी जगह रखकर और इसमें योगदान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली। तो ये बात सच है कि मनुष्यों का इसमें योगदान है, और बिना उसके हम किसी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बात ये सच यह है कि ये भी सच है कि हमारा ज्ञान बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा था, लेकिन उस ज्ञान की को नष्ट कर दिया गया, उसकी चोरी हो गई, और हम लोगों ने उस ज्ञान को सराहा भी नहीं, उसको समझ भी नहीं पाए। आज भी जो मौलिक ग्रंथ हैं संभवतः तो हम लोग यहाँ उपलब्ध नहीं है, हैं भी तो उसको जानने वाले कितने लोग हैं और कैसे उसका उपयोग कर पाते हैं ये भी नहीं पता है। ये मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की सराहना करूंगा जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि जो हमारे ज्ञान है, एंशियंट नॉलेज है, उसको हम प्रकाश में लाएं, और जिससे कि जनता में, नागरिकों में
उसका उपयोग करने के लिए, या देश उससे ही लाभान्वित हो सके, ये बात है आपको। और ये भी सच है कि आज की ये स्थिति जो हमारे नॉलेज की, भारतीय ज्ञान की, जिसकी हम, जिसके बल पे हम विश्व गुरु होने का की बात क्या करते थे, वो अच्छी अवस्था में नहीं है। तो हम सबका फर्ज ये बनता है कि इस जो पुरानी पांडुलिपियां हैं, किताबें हैं, या जैसे सुबह बात हुई कि जो किताबें बाहर चली गई, लोग ले गए जर्मनी में और अनुवाद कर दिया, या इटली ले गए, तो ऐसे सारी किताबों को पहचान कर उसके पुनर ट्रांसलेशन की जरूरत है, जो हमारी भाषा में हो सके, जिससे कि हम उस ज्ञान को सही रूप से समझ सके। एक और बड़ा, बहुत बड़ा बैरियर है कि हमारा ज्ञान संस्कृत में, और संस्कृत जानने वालों की बहुत कमी है, या ये भी बात है कि जो संस्कृत के ज्ञाता है वो ज्ञान विज्ञान की बात को की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है, और जो साइंस के विद्यार्थी है वो संस्कृत नहीं जानते हैं, जिसके कारण वो उस ज्ञान को नहीं जान पाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों का समावेश किया जाए, जो संस्कृत के ज्ञाता है, संस्कृत पढ़ने वाले हैं, और जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां दोनों मिलें और ये दोनों ज्ञान एक साथ मिलके हम कुछ बेहतर देने का प्रयास करें, तो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, और हमारे कुलगीत जो है प्रतीक जी प्राची का मेल सुंदर, उनका यह कहना था कि ऐसा नहीं कि जो ओल्ड है वही सब बढ़िया है, ये भी नहीं है, जो हमारा ज्ञान है वही सबसे बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, जो आधुनिक है वो भी बढ़िया है। तो हमारा जो पुराना ज्ञान है उसका जो बेस्ट हम लें, और आधुनिक ज्ञान का जो सर्वश्रेष्ठ है उसको लें, और दोनों को मिला के हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ है उसको तैयार करें और उसका उपयोग करें। तो ये दोनों प्रतीची प्राची का मेल सुंदर, ये एक ऐसी बात है जिसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, और हमें आज जो ज्ञान का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और देश को समर्पित करना चाहिए, जिससे हम फिर से अपनी पुरानी पुराना स्थान प्राप्त कर सकें और विश्व गुरु बनने की ओर चलें। एक बात होती है कि हम इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं बना लेते हैं, इक्विपमेंट क्यों नहीं बनाते हैं, हम नकल करते हैं, हम मतलब हम बाहर से मंगाते हैं, खरीदते हैं, तो इसके लिए देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो जो भी प्रोफेशनल प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें लोगों को या मौलिक काम करने वाले को, इनोवेटर को, वो महत्ता नहीं दी जाती है। कई बार कई रुकावटें उनके बीच आ जाती है जिससे वो अपना काम नहीं कर पाते। तो अगर मौलिक चिंतन करने वाले, जो इनोवेटर है, जो नई खोज करने वाले हैं, उनको सही ढंग से महत्व दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको फाइनेंस किया जाए, और उनसे कहा जाए कि आप नए नए खोज करें, इंस्ट्रूमेंट बनाएं, तो हम सोचते हैं कि हम इसमें कभी पीछे नहीं रहेंगे। जब हम इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो इक्विपमेंट क्यों नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, और जनता का उसमें सहयोग चाहिए। एक बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मनुष्यों ने योगदान दिया, लेकिन क्या है कि एक तो मनीषी थे, फिर दूसरे अंश से जन नायक मिले हमें, जिन्होंने जनता को पूरे कार्यक्रम के साथ जोड़ा, और उसके परिणाम स्वरूप ही हमें आजादी मिली। तो विद्वान थे लेकिन जनता के साथ जोड़ने वाले जन नायक जब एक साथ होंगे, जब एक जन मूवमेंट बनेगा, जन आंदोलन बनेगा, तब हमें कार्य में सफलता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और ये सलाह दूंगा त्रिपाठी जी को कि ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जहां की वेद के बारे में चिंतन, मनन और आगे बढ़ावा दिया जा सके। और हम क्या कहें, हम खुश नसीब है कि प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी यहाँ हैं, और जैसे ही हम लोग की बात हुई थी, इस कार्यक्रम में दो कदम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।